अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? यकीनन सब ठीक ही होंगे। आओ आज मैं आपको हाई टी पे लेकर जाता हूँ मूविनपिक। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ वॉशरूम से, क्योंकि आपको अपने हैंड को वॉश करके सैनिटाइज़ करना चाहिए। खाने से पहले सफाई का प्रॉपर ख्याल करना चाहिए। लेकिन हाँ यार, अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो, आपका मुँह अजीब सा हो गया और बाइक या पे या किसी पे भी आ गया, तो आपको मुँह भी धोना चाहिए। उसके बाद देखो, यहाँ से हाथ ड्राई किए मुँह धोने के बाद, और यहाँ से देखो पॉपट के टिश्यूज़ निकले। मुंह को साफ़ करना है आपने बिल्कुल इसी खूबसूरत अंदाज से। और उसके बाद चलो, आपने अपने टिश्यूज़ जो है ना वेस्टिश को फेंकने, अपने बालों को थोड़ा सा उंगलियों की मदद से सेट कर लेते हैं। उसके बाद आपने थोड़ी सी अपनी एफिशिएंसी दिखानी है। उसके बाद चलो आप बाहर आओ, हट पड़े। अब देखो आ गया बाहर, और अब आप देखो कि आपको सबसे अच्छी चेयर कौन सी लगती है, जो आपको लाइक वो खाने के बहुत करीब हो ना, ताकि आप इजीली हर चीज़ इंजॉय कर सको। यहाँ पर देखो कितना मज़ा आया था, यानी यहाँ पर बहुत यहाँ पर सिंगर्स भी थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये देखो फिर आप खाने की रंग बिरंगी चीज़ें और इतने सारे रंग बिरंगी वैरायटियों टाइप के खाने हैं। जस्ट ओनली द प्राइस इज़ जस्ट 2600 रुपीज़ में आप हाई टी कर सकते हैं। और यहाँ पर सारा की सारा लाइक पता नहीं अनलिमिटेड चीज़ें थी, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे पेट में गुंजाइश ही नहीं थी कि मैं खा पाता। बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने खाई ही नहीं। यहाँ पर देखो छोटी सी देगड़ू भी थी, उसमें हलीम था, ये चिकन नमकीन बोटी। और उसके बाद भी बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ें थी यार, यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी थी। ये हलीम देखो कैसा था, इन्होंने रैप किया हुआ था। और देखो देखो देखो, और जिस जिसने जाना हो तो नेक्स्ट टाइम मुझे बता देना, मुझे भी साथ लेकर चल लेना हाई टी पे। यार अगर बुरा ना मानो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज एज यू विश। यहाँ पर देखो गोलगप्पे भी थे, हाँ यार यहाँ पर चना चाट भी थे, दही भले भी थी, और 5-6 किस्म की और चाट्स भी थी। ये देखो मैंने अपनी एक प्लेट ली बड़े अच्छे अंदाज से। और उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। लाइक पहले मैं सोच रहा था कि मीठे में कुछ ले लूँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं है। देखो एक मैंने समोसा लिया, श्रीखंड समोसा छोटू छोटू सा। उसके बाद मैंने लिया यहाँ से ये वाला मीट समोसा, ये बीफ का था, वो चिकन में था। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है ना ये थी, ये देखो ये पकोड़े हैं, एक ये लिया। उसके बाद मैं आया अगले पोर्शन में, ये है वेजिटेबल स्प्रिंग रोल। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये वेजिटेबल स्प्रिंग रोल नहीं, ये चिकन वो है, क्या कहते हैं ना, वेजी चिकन। ये बहुत मज़े की थी, मैंने खाई थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, ड्राई चिली टाइप थी ये। और उसके बाद ये वेजिटेबल स्प्रिंग रोल तो ये थे ना छोटू छोटू से पड़े हुए, यहाँ से ये वेजिटेबल स्प्रिंग रोल लिया। उसके बाद ये मिनी पिज़्ज़ास भी थे यार, यहाँ पर आने को आया लाइक यहाँ पिज़्ज़ा खाने को दिल ही नहीं किया, मैंने तो खाया भी नहीं। उसकी मैं तो मैं जितना मैं प्लेट भर रहा हूँ ना, मैंने इतनी भरी नहीं। देखो ये बराबर वाला मोटा बंदा मेरी प्लेट को कैसे देख रहा है, अजीब सा। और उसके बाद लो भाई, आंटी ने भी अपनी प्लेट भर ली है अच्छे से। और उसके बाद मैंने ये ली है चिकन नमकीन बोटी, इस पर तो मेरी बहुत पहले से नज़र थी, लेकिन मैंने एक ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी। और उसके बाद हमने ले ली एक और प्लेट, अपनी अगली प्लेट, उसमें उठाई चॉकलेट पेस्ट्री। चलो भाई बिल्कुल एहतराम से, बिल्कुल सीक्वेंस ताकि इनका ख़राब ना हो। उसके बाद मैंने लिया रेड वेलवेट पेस्ट्री का छोटा सा स्लाइस। उसके बाद हम लेते हैं कैरमेल पेस्ट्री। उसके बाद और भी बहुत सारी पेस्ट्रियाँ थी यार, ये था वो केक नहीं होते लाइक वो मार्बल केक, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता मार्बल, तो मैंने अवॉइड कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ से, अच्छा हाँ यार ये बिस्किट्स बहुत अच्छे थे, ये थी लाइक अमेरिका, वो इसका नाम क्या था यार, क्रंची अमेरिका नो ऐसा कुछ नाम था। इसमें ना एक बिस्किट था, उसके ऊपर फ्रूट की टॉपिंग एंड टार्ट सॉस चली हुई थी, ये लिया। ये मेरा फेवरेट था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद यहाँ से ये वाली ना पेस्ट्रीज जो थी ना मेल्टेड, तो मैंने हाथ से उठा ली, मैंने कहा यार क्या टोंग को ख़राब करना, चलो ठीक हो गया, डन हो गया। अब कटोरी ली, ये कस्टर्ड रखा हुआ था, और ये कस्टर्ड था लाइक लेयर्स वाला था, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की और आइसक्रीम्स की और नहीं क्या क्या लेयर्स थी, और बहुत मज़े का था। तो थोड़ा सा कस्टर्ड लिया, उसके बाद
मैंने ये फ्रूट्स पे थोड़े से डाल लिए थे कस्टर्ड के ऊपर, और उसके बाद मैंने हाँ डाल लिए फ्रूट्स, फ्रूट डाल के मैंने अपनी कटोरी को बिल्कुल जो बन के फूल कर लिया। या तो फिर हमने खीर ली, यार ये खीर बिल्कुल फीकी थी, इसको हनी के साथ खाना था, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जिसको अच्छी लगी हो तो मुझे बता देना कमेंट्स करके कि इनमें से तुम कौन सी अच्छी चीज़। पुडिंग बहुत मज़े की थी यार, थोड़ी सी वो भी ले ली थी मैंने। एक ही दफ़ा सोचा मैंने कहा मैं अपनी प्लेट में एक ही दफ़ा सारी चीज़ें रख के बैठ के खा लूँ ताकि मुझे बार बार उठना ना पड़े, लेकिन मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे, और देखो यार हाँ ये भी था डार्क फॉरेस्ट केक, बहुत मज़े का था, पाइनएप्पल की टॉपिंग थी अंदर, बहुत ज़्यादा पाइनएप्पल था इसके। इसके बारे में सोच रहा हूँ, कोई और चीज़ तो नहीं रह गई। इस दौरान मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त बना, उसने मुझे सारी चीज़ें यहाँ पर लाके सर्व की, और उसके बाद मैंने खाया और मुझे बहुत मज़ा आया, तो मैंने उसे फीडबैक गुड दिया। ये मेरी प्लेट थी, टोटल ये सामान था, चाउमिन्स भी थे ना यार, हाँ ये फ़िश हैं, सी फिश भी थी यहाँ पर, हॉट एंड कॉर्न सूप बाद में लिया था जो मैंने वीडियो में नहीं लाया, और ये सारा के सारा यहाँ का व्यू था, कितने लोग आए हुए थे ये दिखाना चाह रहा था, ये कस्टर्ड जो मैंने लिया था ये वो आ गया, और क्या रह गया, हाँ यार ये जेलीज जो थी ना वो बहुत मिक्स लाइक डिफरेंट थी, उनका टेस्ट बहुत डिफरेंट था, बहुत मज़े की थी। चलो ये मेरी प्लेट की पूरी लाइन, उसके बाद सब कुछ खाने के बाद यू नो वीडियो में एडिट कर रहा हूँ, तो मैंने आइसक्रीम ली, और आइसक्रीम मुझे चॉकलेट फ्लेवर सही था, मुझे अच्छा लगता है चॉकलेट। स्ट्रॉबेरी बिल्कुल थोड़ी सी दी थी, और वनीला का बिल्कुल हाफ या पिंच स्पून लिया, और उसके बाद इनको मिक्स करके खाया तो बहुत मज़ा आया। अगर किसी ने भी जाना हो तो यार हर जगह की हाई टी होती है, लेकिन मुझे यहाँ पर हाई टी बहुत मज़े की लगी, लाइक यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय था, बहुत ज़्यादा मज़ा था, और यहाँ पर वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा थी और अच्छा था। रमज़ान आने वाला है, किसी ने भी कहीं जाना हो तो मुझे भी बता देना, मैं भी चल जाऊँगा, लाइक अमेरिकन सिस्टम थ्रू चलेंगे, इंडिविजुअल इंडिविजुअल बिल पे होगा, लेकिन गैदरिंग हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद हाँ यार यहाँ पर स्लैशेस भी तो थे, स्लैशेस भी बहुत मज़े के थे, और भी बहुत सारी रंग बिरंगी चीज़ें थी, ये चिकन पेडीज और ये डिफरेंट सारी चीज़ें, ये तो मैंने एक भी नहीं खाई थी, बस वीडियो में मैंने इसे लेकर आ गया, कहाँ खाए जाते हैं ये इतनी सारी चीज़ें। उसके बाद मैंने आपको सोचा कि मैं तुम्हें स्मोकिंग एरिया और स्विमिंग पूल के भी थोड़े से दर्शन करवाता चलूँ जाता जाता। बाय बाय।